नमस्कार, आज हम आए हैं जागेश्वर धाम अल्मोड़ा के पास है, जो जो श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर है। तो नागेश्वर द्वारका ने जैसा कि मंदिर में कहा गया है तो उसका मुख्य मंदिर यह है। तो आजकल कोरोना के कारण इसमें थोड़ा सा अंदर जाने के लिए मतलब मनाही है, तो आजकल बाहर से ही दर्शन का है इसमें। तो हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर लगभग 108 मंदिरों का यह समूह है, अलग अलग मंदिर समूह, जागेश्वर का पूरा मंदिर समूह है जिसका मुख्य मंदिर यह है, जिसमें भगवान शिव का मंदिर है और इसमें अलग अलग ज्योति मंदिर समूह को बनाया गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग कलाकारी में बनाए गए मंदिर हैं। ये देखिए, छोटे छोटे लगभग 108 के आसपास यहाँ पे मंदिर बताए जाते हैं जो कुल मंदिर हैं। और इसी में यहाँ पर अन्य मंदिर भी हैं, छोटे छोटे अलग अलग मंदिर हैं। ये महामृत्युंजय मंदिर है, मृत्युंजय मंदिर है यहाँ पे। तो वो यह है प्राचीन मंदिर है अभी काफ़ी, तो मृत्युंजय मंदिर का यहाँ पे यह है। देखिए यहाँ पे मृत्युंजय मंदिर है, यह मृत्युंजय मंदिर का अंदर गर्भगृह है। नमस्कार, जो जागेश्वर मंदिर है भारतीय पुरातत्व सर्वे का अंतर्गत संरक्षित है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि यह क्या क्या है और इसमें क्या क्या मतलब इसकी विशेषता है, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर मतलब देख रहे हैं कि यह अलग अलग मंदिर समूह है, पूरा लगभग 108 मंदिरों का समूह बताया जाता है इसे। यहाँ पर विभिन्न लोगों द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा है। अपनी विशिष्ट कलाकृति और शैली के कारण यह प्रसिद्ध है मंदिर। और इसका जो मुख्य मंदिर है वो है, यहाँ पर देखिए देवदार का जंगल है, घने देवदारों का जंगल है पूरा, है उसके मध्य में स्थित यह मंदिर है पूरा। ये देखिए, और ये महामृत्युंजय, ये सामने जो हमें दिख रहा है यह महामृत्युंजय मंदिर। उसके बाद यह जागेश्वर मंदिर का परिक्रमा पथ यह यहाँ पर है। ये देखिए नागेश्वर द्वारका ने जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, और इसमें कौन कौन से मुख्य प्रवेशद्वार है, ब्रह्मकुंड स्नान में हवन कुंड, मृत्युंजय मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, अलग अलग इसमें मंदिर हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है इसके माध्यम से। यह है जागेश्वर मंदिर समूह के विषय में जो लिखा गया है। तो जैसा कि जागेश्वर मंदिर कैलाश मानसरोवर के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है, ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर भ्रमण किया तथा इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया गया। जागेश्वर मंदिर समूह में 125 लगभग छोटे बड़े मंदिर सम्मिलित हैं, जिनका निर्माण काल 7वीं सदी ईस्वी में से लगभग 18वीं सदी ईस्वी के मध्य है। ये मंदिर भगवान शिव तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित है, जिनमें योगेश्वर अर्थात भगवान जागेश्वर जो हैं, मृत्युंजय हो गए, केदारेश्वर हो गए, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, लकुलीश हो गए, बालेश्वर हो गए, पुष्टि देवी तथा अन्य कालिका देवी मंदिर आदि प्रमुख हैं। कत्यूरी शासकों जो कि 7वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी तक इन मंदिरों का निर्माण किया था, पुनरुद्धार किया गया, चंद्र शासकों ने इसका निर्माण किया था तथा जो भारतीय पुरातात्विक सर्वे है देहरादून मंडल का राष्ट्रीय स्तर का संरक्षित इमारत है। और इसका ये नक्शा है यहाँ पे एक। ये जागेश्वर मंदिर समूह का मुख्य द्वार है जो आजकल बंद है कोरोना के कारण। और यह देखिए, ये आजकल द्वार मुख्य द्वार बंद है, बाकी किनारे से आपका आजकल इसकी एंट्री हो रही है। ये देखिए, ये मंदिर समूह, यहाँ पर विभिन्न सिद्धार्थ आए हुए हैं इस टाइम पे। और ये मंदिर के सामने आसपास दुकानें जो हैं, इसकी दुकानों की जो है, यहाँ पर विभिन्न लोग हरिद्वार प्रसाद संग्रह इत्यादि अन्यथा मालाएँ वगैरह, तो उसके लिए जगह काफ़ी अच्छी है। जागेश्वर मंदिर समूह हमारे पहाड़ उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित है। तो ये देवदारों से घिरा हुआ है और आपको चारों तरफ यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। देवदार के जंगल लंबे चौड़े हैं यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ पर ठंडा भी अच्छा खासा है। तो यहाँ देखिए, जागेश्वर मंदिर के बगल में ही कलकल बहती है नहीं नदी है। और ये देखिए, सामने एक सुंदर सा पार्क है। यह देवदार के जंगल, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए